आज हम खाएंगे पिकनिक और हम दोस्त लोग मिले गए पहले सब्जी खरीदने के लिए। सब्जी खरीद रहे यहाँ पर हम बहुत सारे, यहाँ पर 7 किलो के आसपास सब्जी और 5 किलो का चिकन। यहाँ पर देख सकते हो चिकन को कबाब बनाने के लिए, मतलब ग्रिल करने के लिए हमने चिकन काट के बापन मदक के हाथ में थमा दिया और बोला कि चल लेके चल। उसके बाद मैंने सब्जी का पूरा थैली लौट करके स्कूटी में लटका दिया। उसके बाद हम गए ग्रोसरी में। यहाँ पर दोस्तों सीसी कैमरा का थोड़ा टेस्ट करने के लिए बापन मदक को करवा दिया चॉकलेट चोरी, लेकिन वापस रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर बारबेक्यू बनाने के लिए हमने गड्ढा खोद रहे और यहाँ पर हम लोग सिला रहे लहसुन। और यहाँ पर बिहारी भैया को बोला कि भाई थोड़ा लहसुन सिला दे, तो यहाँ पर विक्रम भैया जो है यहाँ पर लहसुन सिला रहे देखो एकदम। और यहाँ पर नीकू देखो, कश्यप जी का हालत देखो, प्याज काटते वक्त हेलमेट पहन लिया है और यहाँ पर मस्त मटन आ चुका है, देख सकते हो पूरा एकदम 7 किलो मटन है यहाँ पर। और यहाँ पर कोयला लेके आया क्योंकि हमें बारबेक्यू के लिए कोयला का जरूरत है और थोड़ा बहुत लकड़ी भी हम जला रहे क्योंकि कोयला अगर कम पड़ जाए तो। और यहाँ पर बापन मदक और नियामत खान के द्वारा यहाँ पर मटन को छाप किया जा रहा है और यहाँ पर हम आग मतलब को हीट कर रहे हैं हम यहाँ पर, और सब लोग मिला के यहाँ पर गप्पे वप्पे मार रहे हैं, लहसुन लहसुन सिला रहे। और यहाँ पर हमने यहाँ पर प्राणेश भैया को दे दिया एक हवा मशीन बना के, यहाँ पर देख सकते हो मतलब हवा दे रहे हैं कि जल्दी से कोयला बना दे। और देखो मशीन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और यहाँ पर देखो मटन का जो ऑयल है चर्बी है उसके थ्रू ही हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। देखो मटन अपना तेल छोड़ रहा है सब्जी के अंदर, यहाँ पर प्याज के साथ भून रहे हमारा जीजू के थ्रू और उसके अंदर डाल रहे हम मटन, देख सकते हो यहाँ पर मस्त बड़ा बड़ा पीस का मटन है और प्याज के अंदर इसको हम डाल रहे हैं। काफ़ी मस्त बनने वाला है, लास्ट में पता चलेगा मतलब क्या एकदम मस्त बन रहा है यहाँ पर। यह हमारा जीजू खास आया हुआ वेस्ट बंगाल से, हमारा किस्मत थे कि इतना अच्छा खाना बना लेते हैं जीजू और हमें बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिल जाता है। कभी कभार हम तो ऐसा पार्टी के जीजू के थ्रू करवा ही लेते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत आलू भी डाल दिया 4-5 ठो। और यहाँ पर हमारा चिकन पूरा मैरिनेट हो चुका है बारबेक्यू के लिए और हम इसको देखो डाल दिए हैं मतलब रॉक के ऊपर, और कितना मजा आएगा आप सोच सकते हो एक बार। और यहाँ पर ही देखो हम नेट ला लिए क्योंकि उसके अंदर मतलब चिकन घुमा नहीं सकते। उसके बाद एक नेट किराए पे लेके आए अखिमदा से और यहाँ पर देखो हम नेट के ऊपर डाल रहे हैं चिकन का बड़ा बड़ा सा पीच यहाँ पर बारबेक्यू करने के लिए। ठंड में भाई ये खाने का मजा ही कुछ अलग है। और बापन मदक यहाँ पर डांस भी कर रहे हैं मस्त तरीके से और ये पलट रहे नीचे से अटक रहा है, कोई बात नहीं ऊपर से हम मक्खन घी भी डाल रहे हैं मस्त मतलब एकदम बन रहे हैं। और जो खुशबू आ रहा है ना भाई वीडियो देख के थोड़ी समझ में आएगा। और यहाँ पर देखो मतलब मटन भी जो है रेडी होने का कगार पे है और मटन देखो यार इसके अंदर से जो मतलब खुशबू निकल रहा है ना वीडियो में वो बता नहीं सकते मैं, इतना मस्त खुशबू। और जीजू यहाँ पर थोड़ा सा हिला रहा है इसको मतलब क्या टेस्ट आने आएगा मतलब क्या बताओ आपको। और देखो लगभग 90% पक चुका है और यहाँ पर हमारा बारबेक्यू भी जो रेडी हो चुका है खाने के लिए। और कुछ दोस्त यहाँ से भाग गए तो मैं थोड़ा सा छत के ऊपर गया था, जाके देखा चावल भी रेडी हो रहा है। और यहाँ पर हमारा बैडमिंटन वाला जो फील्ड है उसके अंदर ही हम पार्टी कर रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर रेडी हो चुका है और यहाँ पर सभी लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी सर्विंग होगा, सबने लिया एक एक पानी के बोतल, मैंने 2 रख लिया क्योंकि एक पीछे हमने संभाल के रखा कि बाद में पता चले तो। और पूरे वीडियो में तो फेस नहीं दिखाया, अब मैंने फेस दिखा दिया। और यहाँ पर बिहारी भैया देखो अपने थाली से अपना मुंह ढक रहे हैं और यहाँ पर हमारा खाना सर्व होने ही वाला है। इसी वक्त हमारे पेट के अंदर जबरदस्त भूख लगे और चावल हमारे इधर डाल दिए और बापन मदक आके चावल डाल रहे और यहाँ पर नियामत खान यहाँ पर जो है मटन सर्विंग कर रहे और हम बारबेक्यू जो पहले ही खा लिए थे। और यहाँ पर मटन का साइज देखो यार इतना खुशबू आ रहा है क्या बताऊँ मैं आपको, आह हाहा। और ये मटन आजा 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 मेरे थाली में पहले डाल दे रे बाबा, क्या कर रहे हैं यार भूख लगा है बहुत ज़बरदस्त से यार, डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे। और फाइनली मेरे यहाँ पर मटन आ चुका है, खीरा भी डाल लिया, नींबू भी डाल दिया। देखो पढ़ने के साथ साथ ये कश्यप देखो मेरे इधर से मटन लेके भाग गया, क्या बताऊँ मैं इन लोगों को। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, मज़ा आया।